दोस्तों मैं यहाँ पे ग्रिल साफ कर रही हूँ, क्योंकि ये ग्रिल ना वाइट है और लोहे की है, तो इस पे ना बहुत ज़्यादा धूल जम जाती है तो बहुत गंदी सी लगती है। और मैं घर से आई थी एक हफ्ते से, तो वैसे ही साफ सफाई में लगी हुई थी, ये ग्रिल वगैरह की सफाई नहीं हो पाई थी। तो आंटी जी बोल रही थी कि ये ग्रिल बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, तो आज मैं इनको भी सफाई कर रही हूँ इनकी भी। और धूप बहुत ज़्यादा हो रखी है, धूप में वैसे भी ना बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे साफ सफाई तो ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे ना अपने घर की तरह ही रहते हैं, इसलिए ना कोई प्रॉब्लम नहीं हो पाती है। हेलो जी, राधे राधे जी, कैसे हैं आप सब? ऐसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी थोड़े से अच्छे हैं, क्योंकि मेरी ना एक हफ्ते से होती तबीयत ख़राब बहुत ज़्यादा। तो अब क्या, हमारा जन्माष्टमी का त्यौहार भी नहीं मनाया गया, और ये निहाल छीन रहा है अनार, आप लोग देख सकते हो। दूध ला कर इसने रास्ते में रख दिया है, देखिए। और आदि अभी सो के भी नहीं उठा, आज संडे है, 8 बज चुके हैं, और ये बोल रहा है कि अभी भी मैं जल्दी उठ गया हूँ। अब तो उठ जा रहे और कपड़े लगते ऐसे ही लपेटे हुआ पड़ा है, और मौसम बाहर का थोड़ा अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा सा। तो देखिए आदि कम्बल अम्बल लेकर लेटा हुआ है। बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठंडा एकदम, अंदर थोड़ा सा भबका हो रहा है। निहाल छील रहा है अनार, मेरे लिए छील रहा है, अपने लिए है। देखिए मैं कह रहा आपने तो खा लिया, मैं तो अपने लिए छील रहा हूँ, चल अपने लिए छील ले। और मैं आपको बाहर का मौसम दिखाती हूँ, बाहर का मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रहा है, ठंडा, और बाहर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है। हवा चल रही है ठंडी ठंडी, ठंडा मौसम होने लग गया है थोड़ा। ज़्यादा ठंडा तो हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही फ़र्क पड़ गया है मौसम में। और आप लोग देख सकते हो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, तो यहाँ वैसे भी ना काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे पेड़ हैं, ये देखिए आप लोग देख सकते हो। तो मेरा ना बहुत ही ज़्यादा मन लगता है हरे पेड़ पौधों में। तो गाइस, ये मैंने ना नई झाड़ू मंगाई थी, और ये जो नई झाड़ू होती है ना, फूल झाड़ू, तो इसमें से ना बहुत ही एक गर्दा सा निकलता रहता है। तो मैंने ना ये मोटी कंघी ले ली है, मोटे दांतों की जो कंघी होती है, और उसे मैं अच्छी तरह से कंघी कर दूंगी। पेपर मैंने नीचे बिछा दिया है, ताकि इसका जो चूरा है ना, वो सारा इस पेपर पे ही आ जाएगा। और अगर मैं ऐसे ही झाड़ू लगाती तो सारे में ना इतना साफ़ नहीं होता, जितना गंदा हो जाता है। तो इस तरह से ना मैं पूरी झाड़ू पर कंघी कर दूंगी, तो इसका ना मोटा मोटा सा जो चूरा है वो सब निकल जाएगा, और बाकी जो थोड़ा बहुत है वो धीरे धीरे झाड़ू लगाते हैं ना तब निकल जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही झाड़ू लगाते हैं तो बहुत ही सारे में कूड़ा कूड़ा सा फैल जाता है, इसलिए ना मैं इस कंघी से ही इसको सारी को साफ़ कर दूंगी। और गाइस, मेरी जो पहली झाड़ू थी वो सही है वैसे तो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भारी है, तो यहाँ पे ना उससे झाड़ू नहीं लग पाती है, क्योंकि पहले कमरे पर मैं जहाँ रहती थी वहाँ पर ना खुड़कुड़ा सा फर्श था, तो वहाँ के लिए वो मंगाई थी, तो वहाँ पर ना फूल झाड़ू से नहीं सिकर पाता था। और ये जो झाड़ू का चूरा होता है, इसको हम पौधों में डाल सकते हैं, ये ना खाद का बहुत ही अच्छा काम करता है। और गाइस, मैं यहाँ पे नहा करके आ गई हूँ, और अब मैं बाल वगैरह अपने बना लेती हूँ, क्योंकि कई दिन से ना मैंने कंघी भी नहीं की थी, क्योंकि ना मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बुखार की वजह से। 2-3 दिन तो मैं बिस्तर से भी नहीं उठ पाई थी, बिल्कुल हलना चलना भी मुश्किल हो रहा था, और हाथ पैरों में ना इतना दर्द था, मुझे लग रहा था कि मैं इस बार ठीक नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि बुखार मुझे बहुत तेज़ आ रहा था बार बार। इतने में दवाई लेती थी, इतने ठीक रहती थी, लेकिन दवाई का असर ख़त्म होने के बाद ही ना बुखार फिर से होने लग गया था। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं ऐसे ही पड़ी रहूँगी क्या, मुझे ना बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। घर में भी सारे में गंदा हो रखा था, क्योंकि जब हम बीमार पड़ जाते हैं या कहीं पे चले जाते हैं तो घर में ना इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है, वैसे भी ना मन नहीं लगता है। और बच्चे कितनी सफाई कर सकते हैं, जितना बच्चों से होता है उतना तो बच्चे करते ही हैं, बाकी तो सब काम तो बच्चों से हो नहीं पाता है। लेकिन अब मेरी तबीयत ना काफ़ी हद तक ठीक है, तो इसलिए ना मैं थोड़ा काम धंधा करने के लिए लग गई थी, क्योंकि ज़्यादा काम तो मेरे से अभी भी नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा थोड़ा ही करूँगी, क्योंकि एकदम ज़्यादा काम किया तो कभी फिर से तबीयत ख़राब ना हो जाए, इसलिए ना मैं थोड़ा थोड़ा ही काम करूँगी, ज़्यादा काम मैं नहीं कर पाऊँगी अभी। और गाइस, ये व्लॉग भी मेरा 2-3 दिन का बनेगा, छोटे छोटे 1-2 दिन के क्लिप थे, वो सभी मैंने इसी में जोड़ दिए हैं। और बच्चे स्कूल गए हुए हैं, और बच्चों के पापा गए हुए हैं आज मंडी। गाइस, आज पतिदेव गए थे मंडी,
और मंडी से देखे कट्टा उठा कर ले आए हैं। आप लोग देख सकते हो मौसमी का कट्टा है और ये पपीता है, टमाटर है और बाहर पड़ी कुछ चकुंदर वगैरह, पता नहीं कैसे उठाला है। कहते एकदम ही मुझे हट्टी कट्टी बना देंगे। आप लोग देख सकते हो इतनी सारी मौसमी, जूस बना और पियो। और खाना भी नहीं बना, भी ड्यूटी करके आई थी रात की, अब बनाऊंगी खाना। इधर ही आलू पड़े हैं, आलू, चुकंदर, नींबू, बर्तन वर्तन सब ऐसे इधर है। चलो किचन में बना लूँ थोड़ा खाना। तो आज खाने में बना रही हूँ खिचड़ी, रोटी बनानी बस की है नहीं, दूध भी अभी गर्म नहीं हुआ है और गैस भी साफ नहीं हुई है, बस मैं लेटती रहूँगा ज़्यादा, काम वाम कम करूँगा अभी क्योंकि थक जाऊँगा अभी काम करते करते। मैं थोड़ा सा नहीं करती, ज़्यादा नहीं करती, और सौ तो ज़्यादा हो गए हैं ऐसे सिर में दर्द हो जा। तो मैं खाने में बना लूँ कुछ, खिचड़ी बनाऊँगी तो खिचड़ी बना लूँगा। भूख लग रही है ना, सोएंगे भी, 11 बज चुके हैं क्योंकि नाइट शिफ्ट करके आए थे और सुबह ही चाय पानी पी कर मंडी चले गए थे। गाइस मैं यहाँ पे खाना बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और मैं खाने में पीली खिचड़ी बना रही हूँ। तो मैं सब्जी रोटी वगैरह नहीं बनाऊँगी क्योंकि ना ज़्यादा देर खड़ा हो पाना ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, इसलिए ना मैं खिचड़ी ही बना दूँगी फ़िलहाल। और बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, टिफ़िन ले गए थे बच्चे, और ये मैंने कुछ सोयाबीन भिगो रखी थी तो मैं इनको भी चावलों में ही डाल दूँगी क्योंकि बच्चों को ना सोयाबीन बहुत पसंद है। और सब्जी वगैरह भी लेके आए हैं मंडी से तो मैंने इसलिए जल्दी नहीं बनाई थी, अब बना दूँगी, गरम गरम ही खा लेंगे। और गाइस यहाँ पे मैंने सोयाबीन डाल दिया है, तब तक ये फ्राई होंगी तब तक मैं मिर्च मसाले टमाटर में डाल दूँगी। तो मिर्च मसाले वगैरह टमाटर में डल चुके हैं और यहाँ पे मेरी सोयाबीन भी फ्राई हो चुकी है। और फ्राई होने के बाद मैं इनको निकाल लूँगी प्लेट में। और गाइस प्लेट ये प्लास्टिक की है तो थोड़ा दूर करके ये निकालनी पड़ेगी। आप लोग देख सकते हो सोयाबीन फ्राई हो गई है मेरी। और अब मैं खिचड़ी छौंक लेती हूँ, तेल मैंने डाल दिया है और बाकी जीरा और लहसुन प्याज सब डाल दूँगी, मिर्च मसाले और खिचड़ी छौंक दूँगी। और बाकी मेरा दूध भी गर्म हो चुका है, साइड में मैंने दूध भी रख दिया था तो वो भी गर्म हो गया था, साथ के साथ ही ना दोनों काम ख़त्म हो गए हैं। और गाइस अभी सब्जी वगैरह जो मंडी से लाए थे वो भी ऐसी ही पड़ी हैं, तो खिचड़ी छौंकने के बाद ना मैं उनको भी अच्छे से वॉश करके रख दूँगी क्योंकि बाहर ही रख दी थी उन्होंने वो बिना धोई सब्जी या फल जो भी होता है ना मैं अंदर टोकरी में नहीं रखती हूँ, तो उनको ना मैं धोने के बाद ही टोकरी में रखती हूँ क्योंकि बाहर पता नहीं चलता जो ना किस तरह के हाथ किसके होते हैं गंदे और फिर सब्जियों पे फलों पे लगते हैं तो अच्छा नहीं लगता, इसलिए ना मैं धोने के बाद ही अंदर सब्जियों को रखूँगी। और ये सब्जी और पपीता वगैरह ना सिंक में ही रख दिए थे उन्होंने तो मैंने इनको भी पानी से वॉश कर दिया है अच्छी तरह से। और साथ के साथ जो चुकंदर है ना उनको भी धो दूँगी। और क्या बोलते हैं जो बर्तन थे मेरे दो तीन उनको भी मैं साथ के साथ ही निकाल दूँगी पानी से क्योंकि यहाँ पे रखे रहेंगे तो अच्छे नहीं लगेंगे और तब तक कुकर में सीटी भी आ जाएगी जब तक खाना बन के रेडी हो जाएगा। और गाइस खाना बन के रेडी हो चुका है और अब मैं कुकर की गैस निकाल देती हूँ। और वैसे भी ना बहुत तेज़ भूख लग रही है उनको क्योंकि पूरी रात के जागे हुए थे और उठते ही मंडी चले गए थे तो भूख तो लगती है, सुबह चाय पी के गए थे और अब टाइम भी 12 बजे का हो गया है। और अब मैं फटाफट से उन्हें खिचड़ी घाल के दे देती हूँ। और गाइस आप लोग भी आइए हमारे साथ
आनंद लीजिए गर्मा गर्म खिचड़ी का। और दोस्तों ये दही जमाई थी रात में, तो ये दही भी मैं इनको दे दूंगी, क्योंकि दही के साथ ना खिचड़ी काफ़ी अच्छी लगती है खाने में, और बच्चे भी ना दही के साथ खिचड़ी खा लेते हैं खुश होके। और गाइस एकदम बीमारी से उठकर सब काम करना ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन बच्चों के लिए ना सब करना पड़ता है। और मुझे तो वैसे भी ना बहुत ज़्यादा कमजोरी सी आ गई है, इसीलिए ना ये मौसमी वगैरह का कट्टा लेके आए थे। और गाइस इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, पसंद आए तो लाइक कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।